हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। आईटीआई होल्डर्स के लिए एक और न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। यहां पे आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप सभी को सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा गाइज। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सभी ITIeducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। देन आईटीआई सरकारी नौकरी के सेक्शन से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, जो कि नीट टेलीग्राम नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी जुड़ सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किएंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइस। ये जो डिपार्टमेंट है इसके बारे में जान लीजिए। ये ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र के अंतर्गत आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइस। ये स्थित कहाँ पे है? तो ये स्थित है नामरूप डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़ असम में ये स्थित है ये डिपार्टमेंट गाइस। तो ये रेगुलर वैकेंसी निकाली गई है, परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर आई टी वालों के लिए तीन पोस्ट है यहाँ पे, यानी कि तीन ट्रेडों के लिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारा डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है, पहले वो जान लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो सबसे नीचे में दिया गया है जो इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन का जो पेज होता है, यहाँ पे सबसे नीचे में दिया गया है जो आप लोग को जानना जरूरी है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है ये वाले पॉइंट में, कैंडिडेट शुड रजिस्टर हिज या हर नेम विथ लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नामरूप एंड मीटिंग द प्रीस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज मैंडेटरी टू अप्लाई ऑनलाइन विद इन स्टिपुलेट टाइम पीरियड। द वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर विल बी वेरीफाइड थ्रू लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नामरूप, फॉलोइंग विच कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर फॉर रिटर्न या स्किल प्रोफेंसी टेस्ट। यानी कि गाइस इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आप लोग का जो है लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नामरूप, जहां पे ये प्लांट स्थित है, ये जो प्लांट स्थित है नामरूप में है, वहां का लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप लोग का नाम रजिस्टर होना चाहिए और वो आप लोग को एक वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर मिलता है, वो पहले वेरीफाई होगा तभी आप लोग को रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट में बैठने दिया जाएगा। अगर ये चीज आप लोग के पास में नहीं है, अगर आप लोग का लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नामरूप में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप लोग इस फॉर्म को यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर ये चीज सही नहीं होगा, वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर, तो आप लोग को रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट देने नहीं दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन गाइस इस वैकेंसी में ये है, बाकी ये जो डिपार्टमेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है गाइस, ठीक है। लेकिन इसके वजह से बहुत सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, ऑनलाइन तो हो नहीं पाएगा एज पर माय व्यू, जहां तक मुझे जानकारी है आप लोग को लोकल वहां पे ही जाके करवाना पड़ सकता है। एक यही इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन इसमें लिखा गया है ये चीज़ बात, बाकी कहीं भी नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा गया है कि लोकल लैंग्वेज मांगा गया है या आप लोग का 10th में ये सब्जेक्ट रहना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने जब इंपॉर्टेंट सेक्शन में देखा हूँ तो ये मुझे दिखा है। तो ये आप लोग का लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नामरूप में आप लोग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आप लोग का वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए विद द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नामरूप। ये ध्यान दीजिएगा, ये नामरूप ये स्थान का नाम है जहां पे ये प्लांट स्थित है गाइस। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है, बाद बाकी मैं आप लोगों को सारा इसमें डिटेल बताता हूं। यहां पे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग पोस्ट है। यहां पे आईटीआई वालों के लिए जो पोस्ट है वो है तीन तरीके का पोस्ट, एक तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, इलेक्ट्रीशियन हो गया और उसके बाद फिटर है। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन में क्या क्वालिफिकेशन है, आप लोग हाई स्कूल पास रहना चाहिए और आईटी पास रहना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, एनसीबीटी या एससीबीटी बोर्ड में। वहीं पर फिटर की बात करूँ तो यहाँ पर भी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है, फिटर है, आईटी पास रहना चाहिए फिटर ट्रेड में, एनसीबीटी या एससीबीटी में। वेल्डर का है, यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड थ्री वेल्डर, यहाँ पर भी हाई स्कूल और आईटी पास रहना चाहिए वेल्डिंग ट्रेड में, एनसीबीटी या एससीबीटी बोर्ड में गाइस। उसके बाद यहाँ पे गाइस अपर एज लिमिट की बात करूँ तो टेक्नीशियन ग्रेड के लिए अपर एज लिमिट 27 साल रखा गया है और एज रिलैक्सेशन एज पर जो गवर्नमेंट का नियम है उनके अनुसार आप सभी को छूट मिल जाएगा गाइस। ये जो जॉब है ये आप लोग का रेगुलर जॉब रहने वाला है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं परमानेंट जॉब आप लोग का ये रहने वाला है। पे स्केल की बात करूं तो पे स्केल आप लोग का रहने वाला है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, यहाँ पे देख सकते हैं RS 9450 से 3%, उसके बाद यहाँ पे 19450 ये लिखा गया, ये आप लोग का पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए गाइस।
तो ये फॉर्म जो है ये मई 2023 तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा इनका कहना है। और आप लोग का जो पोस्टिंग होगा यहाँ पे होगा ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन यहाँ पे लिमिटेड नामरूप डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़ असम में आप लोग का यहाँ पे पोस्टिंग होगा। तो ये फॉर्म आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे गाइस, ये ऑनलाइन फॉर्म भरा आ रहा है जिसका लिंक मेरे वेबसाइट पर दिया गया है। 6 फरवरी से ही ये लिंक एक्टिवेट हो गया है और आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। 15 मार्च 2023 तक आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे गाइस, 15 मार्च 2023 तक इसको आप लोग को फॉर्म भर देना है 15 मार्च 2023 तक। यह होगी आप लोग का इंपॉर्टेंट डेट। बाद बाकी एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो 100 रुपया लगेगा जो कैंडिडेट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन को यहाँ पे कोई भी फीस नहीं पेमेंट करना है गाइज। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का ऑनलाइन सिविलिटी एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के लिए यहाँ पे पैटर्न देखिएगा, तो आप लोग का टोटल 2.5 घंटे का समय होगा जिसमें से जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का और रीजनिंग क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का और टेक्निकल यानी जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का, 2.5 घंटे का आप लोग को यहाँ पर समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर कोई भी नहीं है इसमें, जो कैंडिडेट पास करेंगे उनका स्किल टेस्ट आप लोग का होगा या प्रोफेशनल टेस्ट और यहाँ 5 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो गाइज यह है इनका सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे अप्लाई तो कर पाएंगे लेकिन वही है लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नामरूप में आप लोग का रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है गाइज। तो आईटी एजुकेशन वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और जिन कैंडिडेट का लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नामरूप में रजिस्ट्रेशन है वही कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, नहीं तो अदर से भी भर दीजिएगा तो फिर आप लोग को फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाएगा या बैठने ही नहीं दिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है नोटिफिकेशन में।